नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं आईटीआर फॉर्म के बारे में कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म में अपना इनकम को दिखाना है, आईटीआर फिल करना है, कौन सा फॉर्म आपके लिए सही होगा। सारे फॉर्म का हम आपको डिटेल बताते हैं। सात टाइप का फॉर्म आता है, सेवन टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म्स। तो हम टोटल फॉर्म्स का आपको डिटेल बताएंगे, कौन फॉर्म किसके लिए आपको भरना है, कौन फॉर्म में आपका रिटर्न जाएगा, आपका इनकम क्या है, इनकम और सोर्स क्या है, आप क्या काम करते हैं, तो आपको कौन रिटर्न फाइल आपको करना है, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारा है आईटीआर फॉर्म है। तो अभी हम टोटल का आपको डिटेल बताते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए बात करते हैं, यदि आप किसी भी सोर्स से इनकम करते हैं, यदि आपका जो है इनकम जो है आपका यदि टैक्स स्लैब से आपका यदि जो है ऊपर आपका होता है, यानी कि अगर यदि आप जो है टैक्सेबल इनकम अगर यदि आपका हो रहा है, टैक्सेबल इनकम हो रहा है, तो आपको उसमें टैक्स देना आवश्यक होता है, नहीं तो आप डिफॉल्टर कहलाइएगा। इसीलिए अगर यदि आपको इनकम हो रहा है तो आपको टैक्स देना है, लेकिन टैक्स का अगर यदि आप देते हैं तो यहाँ पर बहुत टाइप का फॉर्म होता है, सेवन टाइप्स ऑफ फॉर्म है। टोटल सात प्रकार का आईटीआर फॉर्म है, यानी कि इनकम टैक्स जो आप भरते हैं उसका सात प्रकार का फॉर्म है। तो साथ में सभी का अलग अलग है। अगर यदि आपका इनकम ऑफ सोर्स अलग अलग है, यानी कि जो आपका जो आय का स्रोत है वो अलग अलग है, तो आपको अलग अलग फॉर्म में इनकम रिटर्न आपको भरना पड़ता है। इनकम का जो है जो डिटेल जो आप देते हैं इनकम टैक्स को, उसका अलग अलग फॉर्म है, तो उसी का हम आपको डिटेल बताते हैं। तो आईटीआर 1 का पहले हम बात करते हैं। आईटीआर 1 में जो जैसे कि अगर यदि आप जो है आपका इनकम ऑफ सोर्स अगर यदि आपका है, ये फॉर्म आईटीआर फॉर्म कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति भर सकता है, या फिर HUF यानी कि हिंदू अविभाजित परिवार, ये इसको फिल कर सकता है आईटीआर 1 को। तो इसमें जो है आईटीआर 1 जो है जैसे कि आईटीआर 1 अगर यदि आपका इनकम अगर यदि आप कहीं सैलरी ले रहे हैं, अगर यदि कहीं आप जॉब कर रहे हैं, यदि आपको सैलरी मिल रहा है प्लस आपको कमीशन भी मिल रहा है, तो आप आईटीआर 1 में वो दोनों इनकम को आप शो कर सकते हैं। और जो इसमें दिया है यदि आपका कृषि से एग्रीकल्चर से 5000 तक का इनकम हो रहा है, और अगर यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए आईटीआर 1 फॉर्म है। या फिर अगर यदि आप पेंशन आपको मिल रहा है, या फिर अगर यदि आपने जो है अपना मकान या फिर कोई प्रॉपर्टी है आपका जिसको कि आपने रेंट में दिया हुआ है, भाड़ा में अगर यदि आप लगाए हुए हैं, तो उसको आप आईटीआर 1 में इसको इस इनकम को आप दिखा सकते हैं। और अगर यदि आपका इंटरेस्ट आता है, यदि आपका बैंक से इंटरेस्ट आता है, और अगर यदि आप कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं जिससे कि आपको रेगुलर इनकम आ रहा है, यानी कि अगर यदि आप कहीं भी इन्वेस्ट किए हैं वहां से आपको ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में अगर यदि आपको इनकम मिल रहा है, तो उसको आप आईटीआर 1 में फिल कर सकते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें आईटीआर 1 में कौन कौन भर सकता है। तो आईटीआर 1 में जैसे कि कोई आप पेंशन अगर यदि आपको मिल रहा है, या फिर आपको सैलरी मिल रहा है, या फिर अगर यदि आपका कहीं रेंट से अगर यदि कोई प्रॉपर्टी आपने रूम ही या फिर कोई प्रॉपर्टी दिए हुए हैं रेंट में, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी अगर यदि आप रेंट में दिए हुए हैं, तो उसको आप यहां आईटीआर 1 में उस इनकम को दिखा सकते हैं। उसके बाद जो है अगर यदि आपका इंटरेस्ट अगर यदि आप कहीं पैसा को इन्वेस्ट किए वहाँ से आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसका भी जो है इनकम अगर यदि आप शो करना चाहते हैं, यदि आपका टैक्सेबल इनकम है, तो आपको जो है आईटीआर 1 में भरना है। तो आईटीआर 1 के लिए हो गया। अब आइए बात करते हैं आईटीआर 2 कौन भर सकता है। आईटीआर 2 जो है ये भी है व्यक्ति के लिए है, पर्सनल व्यक्ति के लिए है, और HUF के लिए है, यानी कि HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार, या फिर स्वयं कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल व्यक्ति है, वो भर सकता है। तो इसमें जो है इसमें जो इनकम अगर यदि आपका कृषि से आ रहा है इनकम, या एक से ज़्यादा अगर यदि आपने प्रॉपर्टी लीज में दिया हुआ है या फिर रेंट में दिए हुए हैं, उससे यदि आपको इनकम आ रहा है, कैपिटल गेन अगर यदि कहीं आपका पैसा अगर यदि आप डायरेक्ट आपको पैसा इनकम होता है, या फिर अगर यदि आपको लॉटरी मिल जाता है, या फिर अन्य स्रोत से जैसे कि आप कहीं पैसा लगाए जुहा के रूप में, वही लॉटरी हो गया, लॉटरी में अगर यदि आप लगाए हैं और आपको मिल गया, तो उसको आप इसमें आईटीआर 2 में भर सकते हैं। तो इसमें ये है जो आईटीआर फॉर्म है ये इंडिविजुअल के लिए है, यानी कि पर्सनल व्यक्ति के लिए है, और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए है। तो यानी कि इसमें जो है अगर यदि आप लॉटरी से जीत जाते हैं, या फिर कहीं पर आपको पैसा का अगर यदि आपको गिफ्ट के रूप में मिल रहा है, तो इसको भी आप इसमें आईटीआर 2 में इसको दिखा सकते हैं। या फिर आपका खेती यानी कृषि से एग्रीकल्चर से अगर यदि आपका इनकम आ रहा है, सिर्फ एग्रीकल्चर से अगर यदि आपका इनकम आ रहा है, तो आप इसको आईटीआर 2 फिल कर सकते हैं।
तो ये हो गया। अब बात करते हैं ITR 3 कौन भर सकता है। तो ITR 3 जो है, अगर यदि आप बिजनेस करते हैं जहां से आपको, अगर यदि आपका पार्टनर है और वहां से अगर यदि आपका ब्याज आता है, सैलरी आता है, बोनस आता है, बोनस से अगर यदि आपको इनकम हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है, या फिर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से किराया इनकम होती है, तो आपको ITR 3 आपको फिल करना है। यह फॉर्म ITR 3 जो है, अगर यदि आपका इनकम ब्याज से आ रहा है, सैलरी से आ रहा है, बोनस अगर यदि आपको कहीं से मिल रहा है, या और अगर यदि आप कैपिटल गेन यानी कि कहीं पर अगर यदि पैसा अगर यदि आपको एकमुश्त पैसा अगर यदि आपको इनकम हो रहा है बिना, और उसके बाद जो है एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर यदि आपने भाड़ा में कहीं दिया हुआ है, रेंट में दिए हुए हैं, तो उसके लिए ये है। और जो है खुद का बिजनेस कोई अगर यदि करता है तो वो ITR 3 भर सकता है। और अगर यदि किसी प्रोफेशन यानी कि कोई प्रोफेशन यानी कि किसी प्रकार का अगर यदि आपको आमदनी प्राप्त हो रहा है कमीशन के रूप में, यदि आप अगर यदि इंश्योरेंस एजेंट हैं, या फिर अगर यदि आप किसी भी प्रकार का कमीशन आपको मिल रहा है, अगर यदि काम के एवज में आपको कमीशन मिल रहा है, तो उसमें है आप ITR 3 फिल कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो है आपको मुख्य रूप से अगर यदि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी भी अगर यदि आपको मिल रहा है, प्लस कहीं से आपको बोनस आमदनी आ रहा है, और उसके बाद अगर यदि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, तो आप इसको, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। LIC का एजेंट हैं तो आपको ITR 3 फॉर्म को फिल करना है। अब आइए बात करते हैं ITR 4। ITR 4 भी है, ये आपका इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल व्यक्ति इसको भर सकता है, या फिर HUF हिंदू अविभाजित परिवार इसको जो भर सकता है इसको। तो इसका जो इनकम ऑफ सोर्स है वो जो है बिजनेस से अगर यदि आपको इनकम हो रहा है, अगर यदि आप कोई प्रोफेशन से अगर यदि जुड़े हुए हैं जैसे कि डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो इस प्रकार से अगर यदि काम आप करते हैं तो आपको ITR 4 भरना है। ये भी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति यानी कि पर्सनल व्यक्ति भर सकता है, यदि कोई डॉक्टर है तो वो भी भर सकता है, और अगर यदि बिजनेस करते हैं, अगर यदि आपका दुकान भी है, अगर यदि आप दुकान भी करते हैं, छोटा मोटा शॉप भी है, और उसका यदि आपको इनकम टैक्स भरना है, तो आपको ITR फॉर्म से भरना है। कोई दुकान है, किसी प्रकार का दुकान है, होलसेलिंग है, रिटेल है, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर यदि व्यवसाय करते हैं, उसके बाद जो डॉक्टर है, वकील है, वो सारा इस फॉर्म को ITR 4 को भर सकता है, जिसका कि इनकम बिजनेस से हो रहा है। यहाँ जिसका इनकम बिजनेस से हो रहा है वो इस फॉर्म को भर सकता है। तब आइए बात करते हैं ITR 5 का। ITR 5 जो है वो, ये जो ITR 5 है, ये जो होता है ये संस्था के लिए होता है, जिसका कि यदि कोई LLP है, यदि LLP है, या फिर AOP है, BOI है के रूप में अगर यदि काम करता है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। यानी कि संस्था के रूप में, जिसमें कि इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं हो, कोई संस्था का अगर यदि इनकम हो रहा है, तो वो ITR 4-5 को फिल कर सकता है। तो ITR 5 जो हो गया वो आपका संस्था के लिए हो गया, किसी प्रकार का संस्था है, जैसे कि LLP हो गया, यानी कि एक यदि कुछ आदमियों का समूह अगर यदि होता है, तो समूह के लिए ये फॉर्म है ITR 5। समूह के रूप में अगर यदि किसी को इनकम हो रहा है, समूह के रूप में अगर यदि कोई निबंधित है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है ITR 5 को। तो इसमें सीधे है, अगर यदि कोई संस्था है, LLP है, तो वो इस फॉर्म को ITR 5 को, उसको इसमें आपको इनकम शो करना है, यदि आप किसी प्रकार का संस्था से जुड़े हुए, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा साझेदार हो, मतलब कि एक से ज़्यादा आदमी उसमें इन्वॉल्व हो और प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको ITR 5 फिल करना है। अब आइए बात करते हैं ITR 6 का। तो ITR 6 जो है ये इनकम टैक्स, अगर यदि आपका कंपनी आपका रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उसको जो आपका यदि कंपनी को इनकम हो रहा है, तो आपको ITR 6 में इनकम को फिल करना है, और उसमें रिटर्न को भरना है। यानी कि ये सिर्फ आपका ये कंपनी एक्ट से जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो ITR 6 में अपना रिटर्न को, उसमें इनकम टैक्स का जो भी आपका टैक्स बन रहा है, वो ITR 6 में फिल करके जमा करना है, आपका जो भी इनकम है इनकम। तो ये हो गया ITR 6 से हो गया, यानी कि ITR 6 जो है ये कंपनी के लिए हो गया। उसी प्रकार ITR 7 भी है,
ये कंपनी के लिए भी है, ITR 7 जो है ये कंपनी के लिए है, लेकिन इसमें कुछ सेंक्शन के तहत अगर यदि आता है जैसे 139(4A) या फिर सेक्शन 139(4B) या सेक्शन 139(4C) या सेक्शन 139(4D) के तहत रिटर्न दाखिल करता है ये ITR 7 में, ये भी कंपनी के लिए है। या फिर ऐसा लोग है जो कि आपका ये सेक्शन 139(4A) और उसके बाद 139(4A) यानी कि ऑडिटेबल जो है वो जो कंपनी है या फिर कोई व्यक्ति है तो वो ITR 7 में अपना रिटर्न को दाखिल कर सकता है। यही था टोटल फॉर्म था। इसी फॉर्म में इनकम टैक्स का यदि आपका स्रोत जिस भी अभी हम टोटल आपका 7 प्रकार का जो फॉर्म होता है वो सारे का भी हम आपको डिटेल बताएं। तो मुख्य रूप से जो है जैसे कि आप यदि जॉब करते हैं तो आपको ITR 1 में फिल करना है। जॉब के साथ में यदि आपको कमीशन भी मिलता है, यदि आप जॉब भी करते हो किसी प्रकार का कमीशन भी आपको यदि आपको आता है, कोई प्रोफेशन है आपका, यदि आप इंश्योरेंस ही करते हैं या फिर और किसी प्रकार का काम करते हैं साइट से, यदि आपको यदि जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ से यदि आपको कमीशन भी मिल रहा है आप साइट से, यदि आप कुछ अलग पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं यदि किसी प्रकार का कमीशन आ रहा है तो आपको ITR 1 फिल करना है। और अगर यदि सिर्फ आप यदि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यदि आपका दुकान है या फिर डॉक्टर या फिर आप वकील हैं तो आपको ITR 4 को फिल करना है। ITR 4 जो हो गया वो है आपका किसी प्रकार के व्यवसाय से इनकम आता है। उसके बाद अगर यदि सिर्फ आप अगर यदि कमीशन से सिर्फ आपको अगर यदि इनकम हो रहा है, मान लीजिए आप इंश्योरेंस एजेंट हैं या LIC का जो भी एजेंट है और बहुत टाइप का ये कमीशन वाला काम होता है, यदि उससे आप जुड़े हुए हैं तो आपको ITR 3 को फिल करना है। यही था 3 जो ITR फॉर्म होता है ये ज़्यादा यूज होता है, ITR 1, ITR 4 और ITR 3। यही था मेन था। इसी प्रकार से आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में आपको अपना फॉर्म को चूज कर लेना है, वो सही फॉर्म को आपको चूज करना है, नहीं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है। तो इसमें आपको चेक कर लेना है कि आपका जो इनकम ऑफ सोर्स है किस कैटेगरी में आ रहा है, उसी फॉर्म को आपको सेलेक्ट करना है ताकि आपका जो रिटर्न है वो आपका इनवैलिड रिटर्न नहीं होगा। तो इसको आपको पहले चेक कर लेना है कि आपका जो इनकम ऑफ सोर्स किस कैटेगरी में आ रहा है, वही हिसाब से आपको इनकम टैक्स का फॉर्म का भी चयन करना है। उसके बाद वही हिसाब से आपको अपना रिटर्न को फाइल करना है। रिटर्न आप फाइल ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑफलाइन में जो है जावा का यूटिलिटी आता है, उसमें आप फिल करके उसको अपना सारा डिटेल आपका आ जाएगा, उसमें आपको फिल करके उससे भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फिल कर सकते हैं। अब ITR को भरना और इजी कर दिया गया है, इसीलिए आप अपना जो है ITR खुद से भी आप फिल कर सकते हैं। अब जो है पूरा इजी कर दिया गया है, उसको आप आराम से अपना रजिस्टर्ड करके लॉगिन करके incometax.gov.in में जाके आपको लॉगिन करके आप अपने से ITR को फिल कर सकते हैं, जिससे आपका इनकम ऑफ सोर्स जिस ITR फॉर्म से आपका मिलता जुलता है उसी फॉर्म को आपको फिल करना है। आप यहां से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, उसके बाद वेरीफाई भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको कॉपी हार्ड कॉपी भेजने का भी अब आवश्यकता नहीं है। तो यही था पूरा ITR फॉर्म का जानकारी इस वीडियो में अभी हम देने का प्रयास किए। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।